एक बार फिर इधर घूम जाना सर है सर नीचे ले ले बिजू अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हाँ हाँ मैं लोकसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा। ये मेरा पहला अनुभव था। देखो हर कोई ऊपर से नहीं सीख के आता है, माँ के पेट में भी कोई नहीं सीखता, इसी धरातल पर रह के लोग सारे सीखते हैं। तो मैंने भी नौकरी करने के बाद में जिस प्रकार का मेरा समूह था, जो मेरे मार्गदर्शक थे, उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे लोगों की आवश्यकता, आप इसमें आइए और इसके माध्यम से आप अपनी राजनीति में जो करना चाहते हैं वो करिए। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बाड़मेर से विधानसभा की टिकट मांगी थी, उस समय के अंदर भी आप लोगों को किसी को याद हो तो मैंने ये चीज़ लिख के दी थी, ऐसी की ऐसी चीज़ ये मुद्दे इस नाम के ऊपर उस समय भी लिख के दी थी। तो उस समय तो ये दूसरे संगठन जो थे ही नहीं एक्चुअल में, मैंने उस समय भी राजनीति को अच्छा बनाने के प्रयास किए थे। परंतु जब मैं अंदर गया तब देखा इन राजनीतिक दलों के लोगों में जो जुड़े हुए उन लोगों की मैंने देखा वास्तव में ये जो जिन सिद्धांतों और मूल्यों की बात करते हैं वहाँ ये नहीं है बिल्कुल कोई भी। मुझे इस प्रकार का असहज घुटन महसूस हुआ, इसलिए मैंने कहा चलो इसको छोड़ते हैं। उसी वक्त देश भर के अंदर एक ऐसी बयार चल पड़ी थी जिसकी चपेट में आप और हम सब, देश का संपूर्ण मीडिया उस बात को बढ़ा रहा था कि केजरीवाल एक इस राजनीति को अच्छा बनाने की मुहिम लेके चल पड़े थे। तो मैं वापस पुनः ही आप जैसे मित्रों के सहयोग से ही आह्वान पर उन्होंने कहा नहीं रणवीर जी आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, उससे भी बेटर आप इसमें जो जो सोच रहे हो जो करना चाहते हो वो इसके माध्यम से कर सकते हो। तो मैं उस समय भी जुड़ा एमपी इलेक्शन में, मैं उसके साथ रहा था और एमपी क्योंकि उसमें इसलिए जुड़ा था देश के ऐसा कोई जिला नहीं था जिसके अंदर श्रेष्ठ लोग उसके अंदर मेगा पार्ट कर, मैं आपको नाम सुनाऊँ बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे उस दल से जुड़े थे, उस मुहिम से जुड़े थे। हम लोग राजनीति को अच्छा बनाने के लिए जुड़े थे। परंतु लोकसभा चुनाव के बाद में दिल्ली के अंदर सब लोगों ने हमने एक साथ के अंदर उसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ भी जो लोग हमने सोची जो चीज़ हमने सोची थी वहाँ वो भी नहीं था। वहाँ भी चंद लोगों की चौकड़ी काम कर रही थी, उनका भी स्वार्थ था केवल मात्र के जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसी विचारधारा थी। इसलिए हमने उसको भी 2013 के उस इलेक्शन के जून जुलाई के अंदर उसको भी त्याग दिया था। उसके बाद में मेरा कोई किसी राजनीतिक दल से नाता नहीं रहा, मैं केवल और केवल इस राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, राजनीति को अच्छा बनाने के लिए मेरा काम कर रहा हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक सांस तक मैं इस राजनीति को राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए काम करता रहूँगा। मैं इस बात का भी आपको जवाब यूँ दूंगा कि अभी देश भर के अंदर एक्चुअल बात यह है कि लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा है राजनीति के अंदर, कोई और बेहतर विकल्प जहाँ जहाँ मिलेगा, क्योंकि राजनीति देखो दल काम नहीं करता है, व्यक्ति काम करता है। कहीं भी आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है तो केवल और केवल मात्र मोदी जी के कारण से बढ़ी है, और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कही जाती है कि मोदी सरकार है देश के अंदर। सरकार किसकी है? मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई नहीं कर, व्यक्तिवाद है। तो मोदी जी अच्छे हैं परंतु क्या मोदी जी के 243-242 सांसद पीछे बचे हैं? वो क्या मोदी जी की विचारधारा को आगे लेके चलने वाले हैं? मोदी जी जैसे तड़प उनके अंदर वो आग है कि राष्ट्र को अच्छा बनाएंगे? वो जब तक नहीं आएंगे, जब तक जनता देश की नहीं लाएगी तब तक ये नहीं आ सकता। राहुल गांधी जी अच्छा सोच सकते हैं, वो तड़प सकते हैं कि मैं अच्छा बनाऊंगा, क्या राहुल गांधी जी के पास भी 242 लोग ऐसे हैं क्या? तो वहां जब तक लोग अच्छे नहीं आएंगे देश के अंदर तब तक ये राजनीति अच्छी नहीं बन सकती, अच्छी नहीं बन सकती। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक सबके सामने शेयर किया था, पत्र भेजा था 4 महीने पहले कि अब इन राजनीतिक दलों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद हुआ उस समय कहा था कि अब उस समय एक ही दल था कांग्रेस पार्टी के, इस कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। अब देश के अंदर लोग आगे आएंगे तभी इस दलीय विहीन सरकार होनी चाहिए, ये दल समाप्त कर देने चाहिए देश के अंदर, इस प्रकार का कानून लाके आगे यूएस की जिस प्रकार से चुनाव प्रणाली है उस प्रकार से राष्ट्रपति का सीधा चुनाव करे जनता, प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव करे, हमारा देश का रक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए सीधा चुनाव करे, तभी लोग अच्छे आएंगे और तभी ये राष्ट्र अच्छा बन पाएगा। बेहतर विकल्प यूँ है कि इन सब का कार्य बाड़मेर की जनता ने पिछले कई वर्षों से देख रही है, यदि वो ये करके बताते। मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, मैंने इसमें लिखा है सर कि मैं एक बार अवसर मिल गया ना मैं दोबारा, ये आप सावधानी से रखना सारी ये चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट्री, मैं कभी भी अवसर मिल गया दोबारा मेरे लिए
चुनाव एक बार जनता जीता दिन वास में जनता के पास जाना पड़े वोट लेने के लिए, उससे शर्म की बात क्या हो सकती है। जनता खुद आपके लिए आए कि नहीं हमें तो इस प्रकार का नेतृत्व भी चाहिए, यही व्यक्ति चाहिए, आवाज जनता की आने चाहिए। आप टिकट मांगने के लिए वहां दौड़ रहे साहब, हमें टिकट दीजिए। अरे काम किया होता तो टिकट जनता के पास है, वहां क्या टिकट है, वो क्या काम आएगी, वोट जनता देगी तो काम बोलता है सर। इन लोगों को किसने रोका, ये चीजें करनी चाहिए, आज दिन तक क्यों नहीं आए ये ऐसा घोषणा पत्र लेके, मैं कह रहा हूँ बताओ। टिकट तो आपने मांगी थी भाजपा से, मैंने वो गलती की थी। अब कोई राजनीतिक दल से मैं नहीं मांग रहा हूँ टिकट, वो मैं कह रहा हूँ नया नया था, सीखा था इस राजनीति में, पता नहीं था कि ऐसा लोग ये सोचते हैं करते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ यही हुआ, जिससे आप आम मतदाता से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा। इसके अंदर सबसे अंतिम लाइन मैंने ये लिखी है सर, अंतिम लाइन है मेरी जो ये साबित करती है कि मैं काम करके बताऊंगा, नहीं तो ये स्टाम्प आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के कठोर से कठोर सजा दिलवा सकते हैं, न्याय के या जनता के माध्यम से। नहीं नहीं, मैं किसी सरकार का साथ नहीं दूंगा। देखो, जितने पावर एक रूलिंग पार्टी के विधायक के होते हैं, उतने पावर आप एक निर्दलीय विधायक के भी होते हैं, पावर में कोई कमी नहीं है। नगर परिषद के सभापति एक पद विधायक से कम है, लेकिन शहर की सरकार जी जी उनमें भी ये होता है कि राज्य सरकार अगर भाजपा की और यहाँ पर अगर वो काबिज युवा व्यक्ति अगर कांग्रेस से है तो वो भी चार साल से चिल्ला रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं, इसलिए काम नहीं हो रहा है, बजट नहीं आ रहा है, अधिकारी नहीं। आप कैसे, मैं इसको आपको तो एग्जांपल देके एक बिंदु समझा दूं, कोई भी एक बिंदु के ऊपर एग्जांपल, जैसे आप शहर की बात कर रहे हो, मैं शहर के इसी साफ सुथरा कैसे बनाऊंगा, इसको कैसे करूंगा, इसके ऊपर ही है। एक बिंदु के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है सर, बहुत बड़ी प्लानिंग, ये कोई लिखा नहीं है मैंने, इसके ऊपर पूरी प्लानिंग है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो सारा नक्शा तैयार है मेरे पास, रोड मैप तैयार है उसकी, उसकी सारी प्लानिंग तैयार है। आप कहो उस बिंदु की मैं व्याख्या करके पूरी बता सकता हूँ। जी, मैंने 2013 के अंदर माननीय अशोक जी परनामी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामने मैंने ये मेरा जो उस समय का था वो मैंने उनके सामने रखा था, तो उन्होंने कहा कि अभी आप नए हो और इस प्रकार के कार्यों की हमारे राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं, आप पहले एक छोटे कार्यकर्ता बनिए, बनते 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 चप्पल घिसते घिसते आगे आओगे, फिर कभी सोचेंगे कि अभी हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा चलो सर, राम राम जी, आपको आवश्यकता नहीं है तो हमें भी आवश्यकता नहीं है। अभी राजनीतिक दल से लोग इसलिए जुड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, खुद के पास वह जुनून व जज्बा व ताकत नहीं होती है, वह जनाधार नहीं होता है, इस कारण से वो राजनीतिक दल की पोंछ पकड़ते हैं, उसके सहारे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पद की जरूरत है, वो पद चाहिए उनको, उनको सेवा नहीं चाहिए। मैं सेवा के लिए आ रहा हूँ, यदि मुझे भी पद की लालसा होती, राजनीति के अंदर कुछ पद चाहिए था, कुछ बनना होता तो मैं भी किसी न किसी राजनीतिक दल के अंदर बना रहता, छोटा मोटा पद लेके घूमता और जेब के अंदर डाले, साहब मैं इस संगठन का फलां मंत्री हूँ, फलां वो हूँ, जो भी हूँ उसका वो घूम लेता मैं। नहीं, मुझे पद नहीं चाहिए, मेरे को केवल, मैं कह रहा हूँ जो जनता ने ताकत है वो जनता तक वापिस दिलाऊंगा। आप सब लोगों के पास वह ताकत होगी, मेरे पास कुछ भी ताकत नहीं होगी, सारी ताकत वापस प्रजा को दिलाऊंगा कि आपके मत में कितनी ताकत है, वो ताकत का एहसास दिलाऊंगा मैं बाड़मेर की जनता को। अकेला नहीं हूँ सर, आप सब साथ देंगे, आप सब मिलके करेंगे। तो एक विधानसभा है, एक विधान, मैं सर अभी एक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ यहाँ आज, और पूरे जिले को बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा अपन यहाँ वो रोल मॉडल करके बताएंगे, उसकी हवा, उसका प्रभाव दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भी पड़ेगा, वो हवा और प्रभाव प्रदेश के अंदर और फिर राष्ट्र के अंदर भी जाएगी, निश्चित रूप से लोग इसके लिए आगे आएंगे कि बाड़मेर एक उदाहरण बनेगा, देश की राजनीति के अंदर बाड़मेर एक उदाहरण बनेगा, और आप और हम सब मिलके करेंगे।